अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। माशाल्लाह आज दो तोतापुरी बकरे जो हमारे पास पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। आप देखेंगे फीडिंग का टाइम है हमारा फार्म पे और हम लोग इनकी वीडियो बना रहे हैं। फोर सेल के हिसाब से एक दो दांत है ये आला बकरा और ये बकरा चार दांत पे है। अगर नेक्स्ट ईयर पल्टी के हिसाब से भी अगर कोई चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बकरे इंशाल्लाह पूरी तरह से आपको बताऊंगा वीडियो में, वीडियो पूरा देखें आप और बकरों की डिटेल भी हम लोग वेट क्या वेट करके भी हर चीज़ आपको बताएंगे। रमज़ान इन लोग को दाना और डाल दे बेटा, तो ये देखेंगे बकरे माशाल्लाह खाने में भी अच्छे है। आप हमारा जो फीड है रेगुलर आप बीला दाना हम लोग जो देते हैं वो देखेंगे इन लोगों को खाते हुए। इन लोगों को बीच में ले लो ना, जरा वीडियो में आ जाएंगे इन लोग, देखें माशाल्लाह बकरे कितने शौक से खा रहे हैं। दोनों कलर कॉम्बिनेशन भी माशाल्लाह दोनों का बहुत अच्छा है, आप एक बार देख ले माशाल्लाह। ये दो दांत वाला है, दो दांत पे बकरा है और ये चार दांत पे है। हम लोग इंशाल्लाह आगे वेट भी करके बताएंगे, इन लोगों का दांत की भी डिटेल मैं आपको बता दूंगा क्योंकि दांत भी आपको देखने से समझ में आ जाएगा। बकरे अभी खा रहे हैं, इनका फीड पूरा ख़त्म हो जाने देते हैं हम लोग, फिर इन लोगों को बाहर निकाल के पूरी वीडियो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा देखने में और अच्छी चीज़ है, क्लाइमेट सेट है, नस्ली बकरे है, तोतापुरी है, कान भी। आप ये बकरे का कान माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है बनिस्बत इसके, लेकिन ये वाला पहला वाला ये दो दांत पे है और ये दूसरा वाला चार दांत पे। तो इनका दाना कंप्लीट हो जाने दे और उसके बाद फिर हम लोग वीडियो कंटिन्यू। ख़त्म हो गया है अभी, हम लोग बकरे बाहर निकाल दिए जो हमारा बाहर का स्पेस है गेट के बाहर, और माशाल्लाह वहाँ व्यू भी अच्छा रहता है, धूप कम रहती है। तो बकरे फ्रेश हो गए हैं, आप देख सकते हैं दाने के बाद बकरों को मस्ती आती है अक्सर और देखेंगे दोनों मस्ती में, तो माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। ये बकरा भी लगभग मेरे पास दो ढाई महीने से है, ये वाला लास्ट मंथ आया था जब हमने कुछ स्कीम निकाली थी उस टाइम आया था, लेकिन अभी माशाल्लाह वैक्सीन वैक्सीन करके दोनों साइड है। ये चार दांत पे है बकरा, मैं बताया जैसे, और ये बच्चा दो दांत पे है। बच्चे की क्वालिटी आप देखें बहुत ही खूबसूरत है, दोनों मस्ती में है। थोड़ा सी हम लोग इन लोगों को हटा देते हैं, हाँ ये बच्चा अभी देखें दो दांत का बच्चा है। इसका वेट हम लोग अभी करके बता देंगे आपको हमारे कांटे पे, चेहरा वगैरह बस ये गंदा है। एक्चुअली हम लोग अभी फील्ड वर्क ज़्यादा नहलाने के ऊपर कॉन्सनट्रेट नहीं कर रहे, थोड़ा सी पानी की दिक्कत हो रही है मेरे फार्म पे, गर्मी भी है तो वो हिसाब से हम लोग नहला नहीं पा रहे। बाकी पूरा वाइट है, कलर देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, चेहरा ब्राउन फेस पे है और चारों पैरों के ऊपर जो खुर का हिस्सा है वहाँ पे ब्राउन स्पॉट है। बकरा खूबसूरत है, दो दांत का बकरा है, हेल्दी बच्चा है। अगर कोई लेके हमारे पास भी रखना चाहता है तो भी अच्छा ऑप्शन है, और लेके आप खुद भी पाल सकते हो आपके इधर आपकी जगह पे, आप वो भी रख सकते हो। दूसरा वाला भी हम लोग दिखा देते हैं, दूसरा वाला छोड़ के ये पकड़ ले बेटा, हाँ ये चार दांत वाला है ऑलरेडी। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी है, सेट है। खस्सी करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, आप अगर इसको खस्सी करा सकते हैं आप ले जाके और रख सकते हैं तो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। कलर पैटर्न भी आप देख सकते हैं, कलर का जो पैटर्न है चट्टा पट्टा कलर जो आता है बहुत अच्छा लगता है ये। और जब पूरी तरह से बकरा शाइनिंग में आएगा और ये सब चीज़ें बाल कम हो जाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। जो हम लोग बताते हैं अक्सर डीवर्मिंग जो होती है स्किन की, जो चमड़ी में मारते हैं हम लोग, वो डीवर्मिंग अगर आप हाईटेक है और भी आइवरमेक्टिन आती है और डेक्टोमेक है, डेक्टोमेक का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सी कॉस्टली है लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें यूज़ करने से बकरों के बदन में शाइनिंग आ जाती है, बकरों के बदन के ऊपर जो कीड़े होते हैं बारीक जू पिस्सू ये सब चीज़ें भी काफ़ी कम हो जाती है। तो अच्छा बकरा है ये और वैक्सीन भी इसकी कंप्लीट हो गई, डेक्टोमेक हो गया है, डीवर्मिंग हो गई है, ओरल PPR हो गया है, अभी हमने ETTT का भी जो इंजेक्शन था वो भी करा दिए माशाल्लाह। पॉक्स भी ये बकरे को हो गया, ये बकरे को पॉक्स नहीं हुआ है और ETTT इसको भी हो गया है और डीवर्मिंग में भी ओरल भी हो चुकी है और स्किन की भी डीवर्मिंग हो चुकी है माशाल्लाह। लेकिन दोनों अच्छे बकरे हैं, हम लोग इसका वेट करके बता लेते हैं है ना, दोनों का एक एक करके वेट ले लेते हैं। तो एक एक बकरा दोनों पकड़ लो तुम लोग, गेट खोल लो पहले, एक काम करो पहले हम लोग इसको अंदर ले लेते हैं बकरों को।
कांटा चालू करके हम लोग इंशाल्लाह वेट भी ले लेते हैं इन लोग का, एक एक बकरे का करके। माशाल्लाह आज न्यू बॉर्न बेबी बच्चे पैदा हुए हैं हमारी बकरी के। ये अक्सर हमारे इधर आप आएंगे तो आपको देखने मिलेगा, काफ़ी बच्चे रहते हैं। ये बच्चा देखें, ये भी एक सानिन मादी ने दिया था, और भी बच्चे हैं। ज़ीरो कर लो लोग को, ओके ज़ीरो हो गया। एक एक बकरा करके डालो, वेट मालूम पड़ जाएगा। ये हाँ दो दांत वाला बकरा हम लोग इसका वेट कर रहे हैं अभी, जूम करके देखते। तनवीर पीछे हो जा बेटा, 45 kg, 45 किलो, 500 ग्राम। हाँ ओके, ये उतार ले। अच्छा हेल्दी बच्चा है, 45 किलो का है, दो दांत पे। इसको ले ले बेटा, ओके पीछे आ जा। हाँ 50 किलो, नेट 50 kg है ये। ये 50 किलो के दोनों बकरे हमारे, माशाल्लाह वजन भी हो गए। ये चार दांत है, ये दो दांत है, ले लो इन लोग को एक बार। हम लोग यहाँ करके वीडियो खत्म कर दे तो देख लें। आपको जो अगर दोनों में से जो भी समझ में आता है, आप लोग इंटरेस्टेड हो लेने के लिए, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये दो बकरे फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर सेल हमारे फार्म पे। ये पलाई पे भी आप हमारे पास रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर 2023 के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे हैं। तो देख लें आप अच्छे बच्चों का, तोतापुरी का एक अच्छा वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक दें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।